आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विस्फोट की धमकी मिली है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट को परमाणु बम से उड़ाने की ये धमकी सामने आई है। धमकी के बाद अब नतीजा ये है कि एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई है, हड़कंप की स्थिति है। धमकी देने के आरोप में दो यात्रियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस फौरन अलर्ट मोड पर आई, एक्शन लिया और इस मामले में जो धमकी देने वाले दो आरोपी थे उन्हें पकड़ लिया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां से तमाम यात्री अपने सफर की शुरुआत करते हैं, उड़ान भरते हैं, यहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहां से जाती हैं। अब ऐसे में धमकी देने के मामले में दो यात्रियों को गिरफ्तार किया गया था और अपडेट ही मिल रहा है कि इन दोनों से ही पूछताछ चल रही है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद जांच भी आगे बढ़ रही है क्योंकि दिल्ली के इस एयरपोर्ट को विस्फोट से उड़ाने की धमकी, ये कहा गया था कि परमाणु बम से उड़ा दिया जाएगा और इस धमकी के बाद ही आगे जांच बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही इस धमकी के बारे में जानकारी मिली दिल्ली पुलिस फौरन एक्शन में आई और दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश करते हुए सबसे पहले इन दो आरोपियों को धर दबोचा है। अब इनसे पूछा जाएगा कि ये धमकी देने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, क्या वाकई इस तरह की कोई तैयारी थी क्या। इन दो लोगों के बैकग्राउंड को भी अब खंगालने की कोशिश दिल्ली पुलिस के जरिए हो रही है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह धमकी भरे कॉल आते हैं या मेल या मैसेज आते हैं, लेकिन इसे शरारत के तौर पर या परेशान करने के तौर पर भी कई बार देखा गया है। लेकिन यहाँ पर सीरियसनेस कितनी थी, यहाँ पर क्या वाकई इस मंशा के साथ ये धमकी दी गई या फिर किसी को परेशान करने के इरादे से कुछ असामाजिक तत्व थे ये जिनके जरिए इस तरह की हरकत हुई है, ये सभी बातें सभी बिंदु जांच का विषय बने हुए हैं। जैसे ही धमकी के बारे में जानकारी मिली एयरपोर्ट पर हड़कंप की स्थिति देखी गई। जो एयरपोर्ट स्टाफ था उन्होंने फौरन इस मामले में हरकत दिखाई और फिर दिल्ली पुलिस को इस मामले में सूचना दी गई। मोहम्मद अफसर इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मोहम्मद अफसर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो धमकी देने वाले दो शख्स थे इनको लेकर जानकारी क्या मिल रही है, कब ये धमकी दी गई थी, धमकी में और क्या कुछ कहा गया था। और बिल्कुल, ये 5 तारीख की बात है। 5 तारीख को जब टेस्टिंग हो रही थी कि एयरपोर्ट पर अंदर एंटर करने से पहले जब जांच पड़ताल की जाती है तो उसी वक्त दो लोग सिक्योरिटी पर्सन से उलझ गए, लड़ाई झगड़ा करने लगे और जब उन्हें रोका गया, उससे पूछताछ की गई तो उन्होंने सीधा कहा कि वो एटम बम से एयरपोर्ट को उड़ा देंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो अब इसके बाद अचानक से सिक्योरिटी पर्सन हरकत में आ गई, तो इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ जारी है। क्योंकि हालांकि इस बात को अभी 3 दिन हो चुके हैं और पूछताछ अभी भी चल रही है और पुलिस ने अभी भी उन लोगों का, उन दोनों लोगों के नाम का खुलासा नहीं किया है कि वो दोनों कौन है और कहाँ के हैं। अभी पूछताछ चल रही है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके कॉल डिटेल क्या है, क्या क्या कॉन्टैक्ट है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो गुस्से में लोग कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि क्या सिर्फ गुस्से में उन लोगों ने एयरपोर्ट पर आने की धमकी दी थी या सचमुच में उनके कनेक्शन कहीं ऐसे हैं। तो अभी इन सभी बातों पर पूछताछ चल रही है। सर, यही मैं आपसे पूछने वाली थी, जब आपने कहा कि 5 तारीख की यह घटना है, इन दो लोगों के जरिए धमकी दी गई और एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई, आप जिस बात का आपने जिक्र किया, अक्सर जैसे झगड़ा होता है उस वक्त टेम्परमेंट हाई हो जाता है या टेम्परमेंट लूज कर जाता है शख्स और तरह तरह की धमकियां देता है जिसमें कहा जाता है मैं तुझे जान से मार दूंगा या ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, क्या इस लिहाज से भी ये घटना हो सकती है? क्योंकि बैकग्राउंड अगर खंगाला जाएगा, तलाशा जाएगा जब पूरी तरह से पुख्ता जानकारी होगी, लेकिन जिस वक्त ये घटना घटी कुछ चश्मदीद भी रहे होंगे, उनसे भी क्या पूछताछ होगी अब? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये कि दोनों के सीडीआर मतलब कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी देखे जा रहे हैं, दोनों के ईमेल्स देखे जा रहे हैं, दोनों के मोबाइल जब्त किए गए हैं, मोबाइल का पूरा डिटेल देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ कनेक्शन हो सकते हैं। मतलब पुलिस कोई भी जिसको कहते हैं कि कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती है कि कहीं से भी कोई सुराग मिल जाए। तो अभी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, मोबाइल चेक कर रही है, उनके लैपटॉप चेक कर रही है, कहाँ के रहने वाले हैं, उनके दोस्त कौन है, सभी एंगल से चेक कर रही है। और ये बात जरूर है, मैं फिर कहूंगा कि कई बार ऐसा होता है, पुलिस भी इस बात को मान रही है, कई बार ऐसा होता है कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो गुस्से में टेम्परामेंट जब हाई होता है तो उस समय के लिए इंसान कुछ भी बोल देता है। तो कहीं उस गुस्से में तो उन लोगों ने नहीं कहा था, और अगर कहा था तो क्यों कहा था, क्योंकि ये भी गैर कानूनी है, ये भी इसकी भी इजाजत नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत ही सेंसिटिव जगह है और वहां पर अगर इस तरीके की हरकत होती है तो उसकी भी सजा तय है। तो इस एंगल से भी अगर उन लोगों ने गलती की है तो उसकी भी सजा मिलेगी, लेकिन अगर सच में उनका कोई कनेक्शन है कहीं पर तो इस एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है।
हर एंगल से जांच पड़ताल हो रही है। अफसर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अभी अभी, वो जरूर जानना चाहेंगे कि इन दो लोगों के जरिए जब धमकी दी गई, एज इट इज वो वर्ड्स आप बता सकते हैं, वो सेंटेंस आप बता सकते हैं जिनके जरिए कहा गया? जब एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की जा रही थी, जब जांच किया जाता है तो उसमें सामान और ऊपर से नीचे तक पूरे व्यक्ति को चेक किया जाता है। जो भी लोहे का सामान होता है, जैसे बेल्ट उतारना होता है, शूज में अगर कुछ मेटेलिक हो वो भी उतार करके चेक कराना होता है। तो इस प्रोसेस में ये दो लोग सिक्योरिटी पर्सनल से भूल गए, बहस करने लगे, लड़ाई करने लगे, और जब सिक्योरिटी पर्सनल ने उनको रोका तो उन दोनों ने धमकी दे दी कि हम आईजीए एयरपोर्ट को एटम बम से उड़ा देंगे। अब चूंकि सबसे बड़ी बात एटम बम, क्योंकि एटम बम कोई बहुत छोटी चीज नहीं है कि कोई अपने बैग में लेके घूमता हो, तो जिस तरह के शब्द इस्तेमाल करना, तो आखिर क्यों बोला, क्या इसके पीछे कोई इनका सपोर्ट है? और यही बात हो सकता है कि जो सिक्योरिटी पर्सन वहां पर थे, जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर थे, उन्हें यही शब्द चुभा हो और उसके बाद तुरंत इन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ अभी चल रही है। आशीष सिन्हा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जब जब एयरपोर्ट पर हम जाते हैं या फिर जब कोई फ्लाइट लेनी होती है तो कई लेयर की सिक्योरिटी से हमें गुजरना पड़ता है, जो स्कैनिंग होती है, चेकिंग होती है, जो कि उनकी ड्यूटी का पार्ट है। अब ऐसे में दो लोग जिन्हें ये सब चीज़ें खराब लग गई, बुरी लग गई और सीधे धमकी दी गई, एयरपोर्ट को एटम बम से उड़ा देंगे, किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है इस तरह के मामलों में? देखिए रचना, पूरी खबर में समझा दूं। पहले दो लोग थे, ये दोनों ही गुजरात के कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक का नाम जिग्नेश था, एक का नाम कश्यप था। ये दोनों ही 5 अप्रैल को अकासा की जो फ्लाइट है उससे वो उड़ान भरने वाले थे। क्योंकि सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा लंबा समय लग रहा था, जांच में बहुत ज्यादा लंबा समय लग रहा था, इन दोनों को जल्दी थी, इन लोग दोनों ही जो थे वो सिक्योरिटी वाले से उलझ पड़े। उन्होंने सिक्योरिटी से कहा कि आप जल्दी से चेकिंग करिए, तो उन्होंने कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि हम परमाणु बम लेके जा रहे हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई। जिसके बाद जो सिक्योरिटी थी वो हरकत में आई, दोनों की गिरफ्तारी हुई, मामला थाने में गया और उसके बाद फिर बाद में इन्हें अदालत से जमानत भी मिल गई है। इन दोनों को अदालत से जमानत भी मिल गई है। हालांकि जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इसके कहने की पीछे की मंशा क्या थी, लेकिन प्रारंभिक जांच में यही सामने आया है कि सिक्योरिटी जांच में जो लंबी देरी हो रही थी उससे ये नाराज थे और गुस्से में उनसे ये शब्दों का उन्होंने जिक्र किया था। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मामले की जांच में और क्या कुछ निकलता है, लेकिन ये दोनों ही कारोबारी जो थे वो कारोबार के सिलसिले में कॉन्ट्रैक्टर थे, वो दिल्ली आए थे और दिल्ली के द्वारका जो इलाका है वहां पर ये रह रहे थे और ये वापस जो थे वो जा रहे थे, उस दौरान ये झड़प हुई। यानी कि आप कह रहे हैं शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कॉन्ट्रैक्टर थे, बिजनेस काम के इरादे से फ्लाइट पकड़ रहे थे, लेकिन जब बहुत ज्यादा चेकिंग होने लगी तो गुस्से में आ गए और कह दिया कि परमाणु बम है हमारे बैग में और अब इसीलिए जांच ये सब चल रही है। आशीष आप रहिएगा मेरे साथ में, आगे कुछ और खबरें हैं जिनसे